नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार शहर के थाना कोतवाली में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के तहत पहली कायमी की गई। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी जोसेफ मुगवेल को गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। फिलहाल आरोपी का उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि पीड़िता खरगोन की रहने वाली है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके साथ पढ़ने वाले जोसेफ मुगवेल ने अपना नाम जय बताकर उसके साथ दोस्ती की, फिर बात करने लगा। आरोपी ने लड़की के साथ जाति करने की कोशिश की। लड़की चिखी चिल्लाई, जिसके बाद लोगों ने दरवाजा तोड़कर मौजूदा लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। छात्रा ने थाना कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी का उपचार जारी है। देखे खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। कल दिनांक 13/3/2021 को एक युवती ने एक रिपोर्ट कराई है कि एक लड़का जय नाम का एक लड़का है, जो कि सबसे पहले घर में आकर ने सीधा घुस गया है और छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। फिलहाल में जो पाया गया तो उसमें जो लड़का जो है पिता रफीक मुसलमान निवासी धर्मपुरी का पाया गया है। युवती की रिपोर्ट पर थाना पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और घर में घुसने, छेड़छाड़ और लव जिहाद जैसे धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।